दोस्तों, भारत में बहुत सारे ऐसे स्मारकें हैं जो कि दशकों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही हैं, और इन्हीं ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है गेटवे ऑफ इंडिया। दरअसल मुंबई में स्थित यह स्मारक एक आर्क शेप में बनाया गया मॉन्यूमेंट है, जिसे अंग्रेजों के समय पर बड़े बड़े ब्रिटिश अफसर्स के स्वागत और पानी के जहाजों की लैंडिंग के लिए बनाया गया था। और अब यह मुंबई के सबसे अहम टूरिस्ट अटेंशंस में से एक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई जाता है तो वह एक बार गेटवे ऑफ इंडिया के खूबसूरती को देखने का भी प्रयास जरूर करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्मारक को बनाने की शुरुआत कब और कैसे की गई थी? मेरे ख्याल से आप सभी में से ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन भारत की आजादी के पहले ही करीब 1911 में पहली बार इसके निर्माण की योजना की शुरुआत हुई थी। और आज के इस वीडियो में भी हम पूरी कहानी जानेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया को किसने और कब बनवाया था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की योजना 1911 में पहली बार बनाई गई थी, क्योंकि उस समय यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज V और क्वीन मैरी भारत यात्रा पर उसी रास्ते से ही गुजर कर आने वाले थे। हालांकि राजा के आने तक गेटवे ऑफ इंडिया तैयार तो नहीं हो सका था, लेकिन उन्हें इस मॉन्यूमेंट का कार्डबोर्ड मॉडल दिखाया गया था। और फिर इसके 2 साल के बाद से 31 मार्च 1913 में उस वक्त मुंबई के गवर्नर सर जॉर्ज क्लार्क ने इस मॉन्यूमेंट की नींव रख दी थी। वैसे इस मॉन्यूमेंट के बनने से पहले इस जगह का इस्तेमाल मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन जब गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई तब इस जगह को मछुआरों से ले लिया गया। और फिर 1913 में ही नींव रखे गए इस स्मारक को बनाने की शुरुआत 1920 में जाकर हुई, जिसका काम अगले 4 सालों यानी कि 1924 तक चलता रहा। और फिर गेटवे ऑफ इंडिया को 4 दिसंबर 1924 को उस वक्त के वायसराय रहे रूफस इसहाक के द्वारा लोगों के लिए खोला गया। और दोस्तों, तभी से लेकर अब तक यह मुंबई के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। और दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया के बनने के बाद से यह भारत का मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया, जहां से बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां भारत आती थी। और यहां तक कि जब 1947 में देश आजाद हुआ और ब्रिटिश राज्य खत्म हुआ था, तब अंग्रेज गेटवे ऑफ इंडिया से ही होते हुए बाहर गए थे। और वहीं अगर हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे स्कॉटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट ने बनाया था, और उन्होंने रोमन और गुजरात के 16वीं शताब्दी के आर्किटेक्चर्स को कंबाइन करके इस मॉन्यूमेंट को डिजाइन किया था। साथ ही इस स्मारक में इस्लामिक आर्किटेक्चर्स की भी झलक है, जिसे कि इंडो सरसैनिक कहा जाता है। और दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया पीले बेसाल्ट से बना हुआ है, जिसको मजबूती देने के लिए कंक्रीट का भी काफी इस्तेमाल किया गया था। और इन सबके अलावा बॉम्बे लोकल से ही कुछ पत्थरों और ग्वालियर से भी चीजों को मंगवाया गया था। और जब गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हो गया, तब इसकी ऊंचाई 26 मीटर यानी कि लगभग 85 फीट की थी। वहीं इसके गुंबद का व्यास 15 मीटर यानी कि 49 फीट के आसपास है। साथ ही आर्क के हर तरफ बड़े बड़े हॉल्स भी बने हुए हैं, जिसमें कि एक साथ 600 लोग आ सकते हैं। और दोस्तों, उस समय भी इसे बनाने में करीब 21 लाख रुपए का खर्च आया था, जिसे कि भारतीय सरकार ने ही पे किया था। और दोस्तों, काफी फेमस एलिफेंटा गुफा भी गेटवे ऑफ इंडिया के काफी पास मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट बड़ी ही आसानी से मोटर बोट्स की मदद से दोनों जगहों पर घूम सकते हैं। और एलिफेंटा केव्स के एंट्रेंस पर आपको भारत के 2 महान लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भी मिल जाएगी। और आज के समय में अगर देखा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है, और इसी वजह से इसको मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। वैसे आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप कभी गेटवे ऑफ इंडिया घूमे हैं? अगर हाँ, तो और क्या बातें हैं जो आपको इसकी पसंद आती है? आशा करते हैं कि आपको यह जानकारियाँ जरूर ही पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।